हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ग्लिच शायरी स्टेटस कैसे बनाएं। कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है इनशॉट। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं बिना बातें किए चलते अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम धीरज चौधरी है और आप देख रहे चौधरी टेक। तो चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना। तो मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद कैंसिल पे क्लिक कर दीजिएगा और न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिएगा। उसको डिलीट करने के बाद आपको इस थर्ड वाला लेयर पे क्लिक करना है और आपको एक शेप ले लेना। तो मैं शेप को ले लेता हूँ। इस शेप को लेने के बाद शेप को मिनिमम आपको रख लेना है 35%। 35% रखने के बाद कुछ इस प्रकार अपने मतलब फिंगर से इस तरह एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह एडजस्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार छोटा कर लीजिएगा, जो कि आपका टेक्स्ट इसी में लिखा है। तो इसको करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद कलर को रख लेना है ब्लैक। ब्लैक रखने के बाद कलर को मतलब ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है। मिनिमम आपको कर लेना है 72 तक। 72 तक करने के बाद थोड़ा नीचे आना है और स्टॉक को इस प्रकार बढ़ा लेना है। स्टॉक को बढ़ाने के बाद इसको वाइट रख लेना है। वाइट रखने के बाद राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना इंस्टाग्राम का लोगो ऐड करना है। तो लोगो ऐड करने के लिए आपको इनपुट पे क्लिक करना है, अपना लोगो ले लीजिएगा इंस्टाग्राम का। तो मैं ले लेता हूँ। तो मेरा लोगो ये है। इसे लेने के बाद इस वाला एरो पे क्लिक कीजिएगा तो गोल मतलब गोल का एक शेप आ जाएगा। तो उसके बाद राइट पे क्लिक करके को इस प्रकार छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ एडजस्ट। यहाँ करने के बाद आपको कुछ अच्छा से कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना। बैक आने के बाद फिर से उस लोगो पे ऐड करना है और स्टॉक को इनेबल कर देना है। स्टॉक को इनेबल करके राइट पे क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। अब इसमें अपना मतलब आईडी लिखेंगे। तो आईडी लिखने के लिए आपको इस वाला एरो पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको कट कर देना है इसको। और उसके बाद अपना लोगो का मतलब आईडी लिख सकते हैं इंस्टाग्राम का। तो मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिए। तो मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद इसको कुछ इस प्रकार छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद यहाँ ऊपर में एडजस्ट कर लीजिएगा और इसमें फॉन्ट ऐड करना। तो फॉन्ट को ऐड करने के लिए आपको इधर स्लाइड आना है और फॉन्ट पे क्लिक करके माय फॉन्ट से मैं ले लेता हूँ एक फॉन्ट। तो आप ले लीजिएगा, आपके पास भी तो होगा कुछ फॉन्ट, तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो उसके बाद राइट इसको कुछ इस प्रकार एडजस्ट करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद टेक्स्ट वाला लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको फिर से एडिट वाला पे क्लिक करके नाव लिखेंगे। तो नाव लिखने के लिए मैं लिख लेता हूँ नाव। नाव लिखने के बाद ओके करेंगे। इसको कुछ इस प्रकार छोटा करके इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको मतलब ऊपर मतलब एडजस्ट करने के लिए पोजिशन वाला पे क्लिक करेंगे और इससे ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद कुछ इस प्रकार यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। मेरा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है और आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा मोटिवेशनल कोटेस हिंदी, और मतलब कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शायरी हो, मोटिवेशनल कोटेस हो, तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कॉपी करके रखा हूँ। इसे पेस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको एडजस्ट करने के बाद आपको इधर स्लाइड करना है। स्लाइड करके आपको मैं बता देता हूँ अगेन मतलब अलाइंग वाला पर क्लिक करना है। बीच वाला एरो पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार करके इसको छोटा कर लीजिएगा। इस प्रकार छोटा करने के बाद इसमें स्टॉक को इनेबल करना। तो स्टॉक को मैं इनेबल कर देता हूँ। उसको इनेबल करके राइट पर क्लिक कर देना है। अब इसमें फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऐड करने के लिए आपको फॉन्ट वाला पे क्लिक करना है और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इस वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लीजिएगा। पहले मेरा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार एडजस्ट हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद इसमें इमोजी ऐड करना। तो इमोजी ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट वाला पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करके आपको इसमें इमोजी ऐड कर लेना। तो मैं इमोजी ऐड कर लेता हूँ। मैं कोई भी फ़िलहाल एक कर लेता हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे लगा दीजिएगा और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप फोर्थ वाला पे लेयर पे क्लिक करके इसको ट्रांसलेट कर देना है और इस इमेज को डाउनलोड कर लेना। तो इस पर क्लिक करके सेव एस इमेज पे क्लिक करना है और पीएनजी रखना है। डिफ़ॉल्ट को आपको अल्ट्रा में सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है।
इनशॉट को ऐप को ओपन करते हैं। तो इसको ओपन कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, तो आपको वीडियो वाला लेयर पे क्लिक करना है और न्यू वाला पे क्लिक करना है। तो न्यू वाला पे क्लिक करने के बाद आपको एक मतलब इमेज ले लेना, तो आप उसे प्रिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं तो इसे ले लेता हूँ। और राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको फुल स्क्रीन करने के लिए आपको देख सकते हैं कैनवास, तो कैनवास पे क्लिक करके आपको 9:16 पे क्लिक करके इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है और इसको 6 सेकंड तक रखना है। आपका जितना सेकंड तक आपका सॉन्ग हो म्यूजिक है तो आपको उतना तक रख लेना है। तो मैं इसको 6 सेकंड तक रख लेता हूँ। उसके बाद मैं 6 सेकंड रखने के बाद आप इसमें इमेज वाला लेयर पे क्लिक करेंगे और फिल्टर पे क्लिक करके एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और सैचुएशन को माइनस पूरे कर देना। माइनस करने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट को बढ़ा लेना है। राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद फिर से इमेज वाला लेयर पे क्लिक करना है और फिल्टर वाला पे क्लिक करके देख सकते हैं फर्स्ट में इफेक्ट है तो इफेक्ट वाला पे क्लिक करना है। ग्लिच वाला इफेक्ट लगाना है तो ग्लिच वाला पे क्लिक करेंगे और सबसे एंड में आ जाना है तो देख सकते हैं JPEG है तो उस पर क्लिक कर देना है। और ये थोड़ा ग्लिच को थोड़ा कम कर सकते हैं तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा कम। कम करने के बाद राइट पे क्लिक करना है और इस ग्लिच को भी अंत तक कर लेना जितना तक आपका सॉन्ग हो मतलब इमेज है। अब इसको राइट कर लेना है। राइट करने के बाद अब इसमें सॉन्ग को इनपुट करना, तो सॉन्ग को इनपुट करने के लिए आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है और म्यूजिक पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और मैं उस ऑडियो को ले लेता हूँ। तो इसको लेने के बाद राइट पे क्लिक करना है तो देख सकते हैं मेरा ऑडियो सेम है तो इसको राइट कर देना है। राइट पे क्लिक करके देख सकते हैं मेरा म्यूजिक और इमेज दोनों सेम है। अब इसमें वो जो पिक्सल ऐप से इमेज को डाउनलोड किए थे उसको ऐड करने के लिए आपको PIAP पे क्लिक करना है और उसको ले लेना। तो मैं इसे ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद कुछ इस प्रकार बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद इसको नीचे में कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है। अब तो देख सकते हैं मेरा वीडियो बन के हो चुका रेडी। तो आपको एक बार प्ले करके दिखाता था किस तरह मेरा वीडियो बना है। तो देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल मेरा वीडियो बन के हो चुका है रेडी। तो इसको आप सेव करने के लिए देख सकते हैं ऊपर में सेव का ऑप्शन है तो सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेव पर दबा देना तो आपका ये वीडियो सेव होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा चालू है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते हो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।